प्यारे बच्चों, सबको यीशु, आइए इस कक्षा में प्रवेश करने के पहले छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वती ईश्वर, आज के इस वक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और इनके अर्थों को समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, पुनः आप सबों को यीशु। हम संस्कार के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। पहला, हम संस्कार को तीन भाग में बांटे थे। पहला भाग दीक्षा संस्कार, उसमें हम तीन संस्कार देखे थे, और दूसरा संस्कार स्वास्थ्यवर्धक संस्कार, उसमें हम पुनर्मिलन संस्कार के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। पुनर्मिलन संस्कार क्या है, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ाई की, और अभी पुनर्मिलन संस्कार कैसे ग्रहण करें उसके बारे में हम देखेंगे। पुनर्मिलन संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित या जो भी बातें मैं बोलने जा रहा हूँ वो आवश्यक है। पहला, पवित्र आत्मा की सहायता से अंतःकरण की जांच करनी चाहिए, और दूसरा, अपने किए हुए पापों के लिए पछतावा करना चाहिए, और तीसरा, पुनः पाप नहीं करने के लिए दृढ़ निश्चय करना चाहिए, और चौथा, पुरोहित के समक्ष जाकर अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, और पांचवा, पुरोहित द्वारा दिए गए जो शोधन कार्य है, दंड वो भी बोल सकते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। और पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हमें क्या लाभ है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। पहला, प्रभु येसु ख्रिस्त हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, और दूसरा, ईश्वर की दया और प्रेम का अनुकंपा हमें प्राप्त होते हैं, उसका अनुभव हम करते हैं, और तीसरा, पाप द्वारा किए गए आंतरिक जो घाव है वो भर जाते हैं, और चौथा, ईश्वर और कलिसिया से हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और पांचवा, हमें ईश्वर और अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध में आगे बढ़ने के लिए कृपाएं मिलते हैं, और पांचवा, हमें शांति, पाप में फिर ना गिरने की शक्ति और आध्यात्मिक सांत्वना मिलते हैं। यह है पुनर्मिलन संस्कार के बारे में हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आप देखेंगे तो पूर्ण होगा। अगला जो संस्कार है स्वास्थ्य संबंधी संस्कार में, उसमें रोगी विलेपन संस्कार है। उसमें संत याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 14 से 15 में हम पढ़ेंगे। वो लिखते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं, और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। यह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा देगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। रोगियों को चंगा करना प्रभु येसु का प्रमुख काम में एक था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8 में लिखा है, वो आदेश देते हैं रोगियों को चंगा करो। यह आज्ञा उन्होंने अपने प्रेरितों को दी थी। इसका पालन करते हुए कलीसिया आज भी स्वास्थ्य सेवा में निरंतर कार्यरत है। पुरोहित रोगियों पर हाथ रखकर कलीसिया के विश्वास में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पवित्र तेल से उसका विलेपन करते हैं। रोगी संस्कार के द्वारा क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ है? पहला, रोगी व्यक्ति चंगाई प्रदान करने वाले प्रभु ख्रिस्त से मिलता है। दूसरा, उसके पापों की क्षमा मिलती है। तीसरा, उसे शांति एवं सांत्वना मिलती है, और चौथा, उसे बीमारी के कष्टों एवं पीड़ाओं को झेलने के लिए शक्ति और साहस मिलता है। पांचवा, ईश्वरीय इच्छा अनुसार वह पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। पांचवा, रोगी को इस जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यह संस्कार तैयार करता है।
अभी तीसरे भाग है संस्कारों का, वह है इस प्रजा की सेवा से संस्कार, सेवा के संस्कार, जो इस प्रजा है कलिसिया की सेवा के संस्कार। बपतिस्मा प्राप्त प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासी ख्रिस्त के पवित्रीकरण, प्रबोधन एवं मार्गदर्शन के कार्यों में भागीदार होते हैं। इन कार्यों को संपादन के लिए ख्रिस्त ने दो अन्य संस्कारों की स्थापना की है, अर्थात पुरोहिताई और विवाह संस्कार है। ये संस्कार दूसरों की सेवा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। कलिसिया में उनका विशेष उद्देश्य है इस प्रजा निर्माण और लोगों की आध्यात्मिक जरूरत आदि उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो व्यक्ति इस संस्कार को ग्रहण करते हैं उनके उन्हें विशेष कृपाएं दी जाती है। इसलिए इनको इस प्रजा की सेवा के संस्कार कहा जाता है। और इस संस्कार में प्रथम हम देखेंगे पुरोहिताई संस्कार। प्रभु येसु ने पुरोहिताई संस्कार को कलिसिया में अन्य संस्कारों के संपादन, पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने और ईश्वर तथा मनुष्यों की सेवा करने के लिए स्थापित किया है। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 6 में लिखा है, तुम मेल्किसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को पुराने व्यवस्था की पुरोहिताई की पूर्णता के रूप में दुनिया में भेजा। ख्रिस्त मेल्किसदेक क्रम से अद्वितीय महापुरोहित है। प्रभु यीशु लोगों की सेवा के लिए पूर्णता अपने आप में समर्पित किए थे। इसके अतिरिक्त वे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। महापुरोहित और अन्य मध्यस्थ के रूप में वे इस संसार में अपनी पुरोहिताई जारी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। सबसे पहले प्रेरितों ने प्रभु येसु के याजकीय सेवा में सेवा कार्य संभाला। बाद में उन्होंने इस सेवा कार्य को जारी रखने के लिए धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और उपयाजकों को उन्होंने अभिषिक्त किया। पुरोहिताई के अभ्यर्थी को पवित्र मिसा बलिदान के दौरान अभिषिक्त किया जाता है। अभिषेक की विधि के अंतर्गत धर्माध्यक्ष और अन्य उपस्थित पुरोहितगण अभ्यर्थी के सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा के अवतरण के लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रतीक है जो यह इंगित करता है कि अभ्यर्थी को याजकीय पद पर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद धर्माध्यक्ष अभ्यर्थी के हाथों को पवित्र तेल से अभ्यंजित करते हैं। अभी हम देखेंगे पुरोहित कौन है। पुरोहित वह व्यक्ति है जिसे प्रभु ने अपने सेवा कार्य के लिए चुनकर अभिषिक्त किया है। वह ख्रिस्त के मनोभाव धारण कर अपने कार्य पूरा करते हैं। और तीसरा, वह इस संसार में ख्रिस्त का प्रतिनिधि है। चौथा, संस्कारों के अनुष्ठान में वह ख्रिस्त के स्थान पर कार्य करता है। पांचवा, वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुरोहिती संस्कार में सहभागी है, इसलिए वह उनके विविध कार्यों का संपादन करता है। छठा, पूजन पद्धति के हर समारोह में वह ईश्वर की प्रजा के प्रतिनिधित्व करता है। और अगला, वह ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ बनता है। और आखिरी में, वह विश्वासियों के समुदाय का निर्माण करता है।
इसलिए बच्चों हमें पुरोहितों को सम्मान देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सेवा कार्यों में उनके साथ सहयोग प्रदान करना चाहिए। आपकी किताब में गीत भी दिया गया है, तेरे चुने पुरोहितों को प्रभु येसु कर पवित्र कर येसु, प्रभु येसु पवित्र कर येसु, इसी प्रकार का गीत है। आप गाकर अपने जो भी पल्ली में गायक मंडली है उनसे एक गीत गवाकर सुन सकते हैं। अगला हम संस्कार देखेंगे, विवाह संस्कार। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 6-8 तक लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे, इस तरह जब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। ईश्वर ने ही विवाह संस्कार का संस्कार की स्थापना की। प्रभु येसु स्वयं काना के विवाह समारोह में शामिल थे, उपस्थित थे। उन्होंने वैवाहिक जीवन को पवित्र ठहराया। बाद में प्रभु येसु ने बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों के लिए विवाह को संस्कार का दर्जा दिया है। विवाह संस्कार के द्वारा क्या संपन्न होता है? वर वधु ईश्वर से मिलते हैं, ईश्वर वर वधु को आशीर्वाद देता है, ईश्वर वर वधु को एक पारिवारिक इकाई में बांधता है, इस प्रकार पति पत्नी का संबंध स्थापित होता है। ईश्वर वर वधु को उसके उनके जीवन के लिए आवश्यक विशिष्ट कृपाएं विवाह संस्कार के द्वारा देता है और वर वधु आपस में एक दूसरे के लिए संस्कार बन जाते हैं। वे एक क्रिश्चियन परिवार का स्थापना करते हैं जिसको हम पारिवारिक कलिसिया कहते हैं। यह विश्वव्यापी कलिसिया का एक अभिन्न अंग है। वे अपने परिवार में क्रिस्त के विविध सेवा कार्यों में सहभागी बन जाते हैं और अंत में वे समाज में क्रिस्त विश्वास की साक्षी देते हैं। विवाह का उद्देश्य ये जानना अनिवार्य है, जब शादियां होती हैं उस समय पति पत्नी को, पत्नी पति को, वर वधु को, वर को कहती है, हे नाम लेकर, मैं अपना नाम लेकर आपको अपनी पत्नी मानता हूँ या आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करता या करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा या बनी रहूंगी, विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगा या करूंगी। ये विवाह संस्कार का धर्म विधि है, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। एक दूसरे के साथ की गई इस प्रतिज्ञा के आधार पर विवाह वास्तव में वर वधु के बीच में दाम्पत्य प्रेम को स्थापित करता है। इस घनिष्ठ एकता और पारस्परिक आत्मसमर्पण के फलस्वरूप ईश्वर उन्हें संतान का वरदान प्रदान करता है। इसलिए दाम्पत्य प्रेम और संतान उत्पत्ति ये दोनों विवाह संस्कार के प्राथमिक उद्देश्य माने जाते हैं। इसके द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ती है और इसका दूसरा उद्देश्य यह होता है, पता है कि परस्पर संगति, पहला संतान उत्पन्न करना और दूसरा परस्पर संगति में जीना। विवाह संस्कार की मूल विशेषताएं, विवाह की प्रमुख विशेषताएं हैं एकता और अविच्छेदता। एकता विवाह की प्रकृति ही ऐसी है,
उसमें एकत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। दंपति में एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम होना अनिवार्य है, उसे हम एकता कहते हैं। इसमें दंपति की आपसी समझ, एक दूसरे की स्वीकृति, क्षमाशीलता और मृत्यु तक एक दूसरे के प्रति वफादारी आदि शामिल है। बहुपतित्व अथवा बहुपत्नित्व की प्रथा वैवाहिक एकता के विरुद्ध है। अविच्छेदकता, विवाह में दंपति द्वारा लिए गए आत्मीय एकता और निस्वार्थ समर्पण के व्रत के किसी भी कारण से तोड़ा नहीं जा सकता है, केवल मृत्यु ही उनको अलग कर सकती है, इसे हम अविच्छेदकता कहते हैं। इन बातों में हम संस्कारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सातों संस्कारों हमारे लिए ईश्वर का महानतम वरदान है, क्योंकि वे ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा प्रभावित होती है। इसलिए हम उनको ग्रहण करके ग्रहण करने के पूर्व हमें अपने आप को समुचित तैयारी करना अनिवार्य है और अपने सक्रिय रूप से भक्ति भाव से इन संस्कारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अभी जीवन आदर्श, संस्कार के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था में हम पर अपनी कृपाएं वर्षा करता है, इसलिए हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। अभी प्रश्नावली, पहला प्रश्न, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार के नाम बताइए। बपतिस्मा संस्कार के क्या प्रभाव होते हैं? पवित्र आत्मा के वरदान और फल क्या है? यूकरिस्ट अथवा परम प्रसाद किन बातों की ओर संकेत करता है? पुनर्मिलन संस्कार के कौन कौन से प्रभाव है? रोगी मिलन संस्कार के प्रभाव बताइए। पुरोहित कौन है? विवाह संस्कार के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी कंडस्थ करने के लिए आपके लिए 3 पॉइंट है। क्या आप लोग यह नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6:3-4। और दूसरा, कंडस्थ करने के लिए अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। कुरिन्थियों के नाम 1 अध्याय 11:28। और तीसरा, कंडस्थ करने के लिए यह है, वह सहायक वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। योहन के सुसमाचार अध्याय 14:26। अभी ज्ञान वर्धन के लिए, जानकारी के लिए, संस्कारों के अनुष्ठान की विधि 4 भाग होते हैं। पहला प्रवेश विधि, दूसरा वचन समारोह, तीसरा संस्कार समारोह, चौथा समापन विधि। और बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और पुरोहिता ऐसे संस्कार हैं जिनको जीवन में केवल एक ही बार ग्रहण किया जा सकता है, जिनको दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वे हमारी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। अगला, ज्ञान के लिए यूकरिस्ट का अर्थ है धन्यवाद। और विवाह संस्कार में स्वयं वर वधु ही एक दूसरे को संस्कार प्रदान करते हैं। पुरोहित कलीसिया की ओर से आधिकारिक साक्षी मात्र है। और अभी एक और काम आपको करना है, अपने पल्ली पुरोहित के पास जाइए, उनसे पूछिए, दीक्षा का तेल वो बॉटल में लिखा रहता है ओ यस, उसके बाद
क्रिजम पवित्र डे, यस सी लिखा है। उसके बाद रोगी विलेपन तेल वो आई, इसका अर्थ क्या है अपने पल्ली पुरोहितों से जाकर पूछिए। प्रत्येक तेल का उपयोग क्या है, उसका प्रयोजन कहाँ किए जाते हैं वो भी पता कीजिए। और आप लोग आपस में टीम बांधकर वाद विवाद कर सकते हैं निम्नलिखित विषयों पर, ईश्वर की सर्वोच्च सेवा वैवाहिक जीवन या धर्म संघ जीवन, इसमें दो टीम में बांधकर आप वाद विवाद कर सकते हैं एक जज को बिठाकर। अभी एक क्रियाकलाप है, संस्कारों की धर्म विधियों में भाग लीजिए और उसे ध्यान पूर्वक देखिए, एक क्रिया है। दूसरा, प्रत्येक संस्कार में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं का नाम जानने के लिए कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोगों को गीत दिया जाता है, इस घर का तो आश्रय बन जा, यीशु मरियम यीशु पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। बहुत सुंदर गीत है, इस गीत को आप सीख सकते हैं, गा सकते हैं, जो लोग जानते हैं उनसे सीख लीजिए। अभी हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की जो कक्षा है उसे समाप्त करें। हे प्रभु, हमें आशीषित कीजिए, कृपा से भर दीजिए, ताकि हम संस्कारों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री।